यूपी एसटीएफ और कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध असलाह तस्करों के एक रैकेट को पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में अवैध असलहे, जिंदा कारतूस, कैश, मोबाइल और असलाह तैयार करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। पकड़े गए तस्कर प्रतापगढ़ और प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो प्रदेश के कई जिलों में अब तक 100 से ज्यादा असलहे बेच चुके हैं। अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने कोतवाली नगर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर रैकेट को एसटीएफ और कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। पुलिस सभी को पकड़कर कोतवाली नगर लाई। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना कोतवाली नगर में कल शाम को एक गैंग का पता चला था, जो कि असलहों की सप्लाई करता था, बनाता था और सप्लाई करता था। इसमें पुलिस और जो ये टीम एसटीएफ की है, इनको सूचना मिली थी, इनके द्वारा दबिश दी गई, जिसमें चार अभियुक्त पकड़े गए और इनके पास से असलाह बनाने के काफ़ी बने हुए असलहे और बनाने के हथियार और औजार जो होते हैं, ये मोटरसाइकिल